नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास कार्यक्रम कहता है वोटर में। और कहता है वोटर में हम आज मौजूद हैं राजधानी के मध्य स्थित मध्य विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कठिन है। यहाँ पे क्या है, छोटी बड़ी गाड़ी सारी मिला के ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जो सुबह से लेकर रात तक बनी रहती है, और शाम में कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। और इसके अलावा चलना दूभर हो जाता है, कई बार एक तरफ से रोड बंद कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ से तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। महिलाओं का निकलना, महिलाओं का चलना बहुत कठिन हो जाता है। बड़ी परेशानी होती है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है, मेन रोड जाम हो जाता है। रात को 12 बजे भी निकलते तो भी वहाँ पे बहुत परेशानी होती निकलने की। कचड़े फेंकते हैं या लोग, और कोई उठाने नहीं आता, इसको नगर निगम तक नहीं आती। बोलते हैं तो उधर बोले ये हमारा काम नहीं है, इधर का भारी बार उठा के निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी महीनों से सफाई नहीं हुई है। हाँ, तो बोलते भैया हमारा इधर का काम नहीं है, रोड का काम है। यहाँ पर कोई साफ सफाई क्यों नहीं की जाती, राशन मिलता है जबकि करने वाले नहीं है, वो राशन वाले शिकायत कर रहे हैं तो उठाएं। विधायक जी का है, विधायक जी ने बहुत बार काम करवाया। विधायक जी अब गली में तो आ नहीं सकते, कोई छोटे तो है नहीं, पार्षद को देखना पड़ेगा। उसके नीचे पार्षद के जो उनने बनाए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको भी देखना चाहिए। बाकी वो अपने क्षेत्र में अपने मोहल्ले में काम करवा के दरोगा से करवाते हैं, बाकी इधर कहीं रोड पे काम नहीं होता। और विधायक जी तो यहाँ नहीं, विधायक जी भी नहीं आए। तो ऐसी सफाई गंदगी रहती है? हाँ, अधिकांश समय गंदगी रहती है, सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो गाड़ियाँ खड़ी करने की भी समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर, कि यदि गाड़ी किसी को इमरजेंसी में पार्क करनी है तो कहीं पर जगह ही नहीं है कि आप कहाँ पार्क करेंगे। हम तमाम मसलों पर बात करेंगे, लोगों के दिल की बात भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस विधानसभा की क्या कमियां हैं, क्या काम हुए हैं, सत्ता पक्ष ने आखिर क्या काम किए हैं विपक्ष के नजरिए से, और क्या कुछ होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, बीजेपी से साथ ही आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ, जो नई इस साल दस्तक दे रही है मध्य प्रदेश में। हालांकि निकाय चुनाव में जरूर इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमारे साथ कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी दल है, 2018 में सरकार में भी आए थे। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के पास जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस विधानसभा में क्या क्या काम किए हैं, और फिर उस पर जवाब भी हम लेंगे कि क्या उन कामों से सहमत है कांग्रेस। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है जी, उसने बहुत यहाँ पे जो भी विकास कार्य किए उन्होंने किए हैं। चूंकि बहुत बड़ी गलती से आज यहाँ की जनता महसूस करती है कि यहाँ पे एक चूक हो गई, और एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से जीत के आ गया जिन्होंने कि एक काम जरूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास करती है तो उन्होंने अपनी विधायक निधि से बोर्ड बनवाए हैं बड़े बड़े, और जो भी रोड भाजपा की सरकार या पीडब्ल्यूडी बनाती है वहाँ पे ये लोग जाके बोर्ड लगा देते हैं और उसमें बड़े प्यार से लिखते हैं आरिफ मसूद जी के अथक प्रयासों से। यार ये बहरूपिया आदमी, ये वहाँ से टोपी लगाता है, जैसे नया भोपाल आता है टोपी उतार के केसरिया दुपट्टा बांध के तिलक लगा लेते हैं। ये बहरूपियों वाली राजनीति करने वाले लोग, इनको जनता, मध्य की जनता एक तरफा बाहर करेगी। चलिए ठीक है, बड़ी बड़ी बात आपने उठाई है। चलिए ठीक है, क्या क्या आपको लगता है इस विधानसभा में कुछ कमी है क्या? विधायक तो आपका है, विधानसभा में कोई कमी छोड़ी नहीं विधायक जी ने, ये कह रहे हैं वोट की बात है तो महापौर इनकी, परिषद इनकी, सब कुछ इनकी है, वोट हटवा ले, कभी गलत काम किया हमने तो, है ना। जो लोग स्वयं नगर निगम में चुनाव नहीं जीत पाए वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनका जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, क्यों नहीं लगाया, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो परिषद अभी एक साल पहले बनी है और जो काम पे बोर्ड लगे हैं, वो परिषद के पहले के जो विधायक जी ने प्रस्तावित करे थे उन्हीं काम पे बोर्ड लगाए हैं, उसका नए प्रस्तावित करो और बोर्ड लगाओ। अगर बीजेपी को बोर्ड लगाना है तो नए काम प्रस्तावित करो, बनाओ, विधायक के ही काम है, ठीक है, है ना, विधायक के पे काम है। मैं आऊंगा आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपके पास आ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई है, इनसे समझेंगे ये पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे, चेहरे के नाम पर वोट मांगेंगे या मुद्दों के नाम पर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी हम धर्म के नाम पे वोट तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे,
जैसे कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे दोनों पर कटाक्ष है, हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करने के लिए तीसरा विकल्प है जनता के पास। आप देख सकते हैं मनीषा मार्केट में इतना बड़ा शराब का धंधा इन लोगों ने मेन रोड पे चालू करके रखा है। ये गुंडागर्दी और हल्ला मचाने के सिवा अगर कोई काम हो तो आप बताइएगा। ठीक है, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर नई पार्टी वोट नहीं मांगने वाली है। बहुत आप लोगों, तो लगातार आप लोग अगर हम कहें तो धार्मिक मसलों को लगातार बीजेपी उठाती रही है, बदलेगा कुछ? हम कुछ, बीजेपी कभी भी कुछ धार्मिक को लेकर काम नहीं की है। हम जो भी विकास करते हैं सिर्फ ये बैनर और ये पोस्टर, इसी पे इनका विकास हुआ। हमारा विकास कार्य इतना है कि आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये भी बीजेपी का किया हुआ है, पेवल ब्लॉक सब कुछ है, ये हमें क्या विकास का बताएंगे। जय जय श्री राम। तो जय जय श्री राम के नारे भी हैं आपकी तरफ से भी। कमलनाथ जी भी मंदिर जा रहे हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं वो शंकर जी के स्थान है, मंदिर है। तो जय हो भोलेनाथ की, सरकार आएगी कमलनाथ जी। एक बात और है, बीजेपी कह रही है जहां बैठे वो पेवर ब्लॉक बीजेपी ने लगवाए हैं। सारे काम मध्य विधानसभा के अंदर माननीय विधायक हरि मसूद जी ने कराए। आप हर वार्ड के विकास कार्य देख सकते हैं, कहीं तक झूठलाया नहीं जा सकता। यदि इन्होंने विकास करा होते वोट लगाते, किसने मना करा था? आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा कर रहे हैं, आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं ब्लॉक बीजेपी ने लगवाए तो देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई है, फिर ये कैसे बोल रहे हैं? फिर ये हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमने तो कभी क्रेडिट लेना नहीं चाहा हमने। हाँ चलिए, ये अगर धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था उसमें बजरंग बली को मंच पे लेकर क्यों गए थे? अगर ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं ना तो मंच पे क्यों गए थे बजरंग बली को लेकर? अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बता देंगे क्यों? थोड़ी बताइए, पूछिए। यहाँ के जो विधायक है जो यहाँ गलती से जीत गए, यहाँ पे पढ़ी लिखी जनता एलिट क्लास निवास करता है, आज उनसे पूछ लीजिए यहाँ पे इस व्यक्ति ने लव जिहाद, गुंडागिर्दी और यही दहशतगर्दी फैलाने का काम किया है, यहाँ पे शांति भंग की है। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ के विधायक का, इसकी गुंडागिर्दी, इनका इतिहास साक्षी है। एक पुलिस वाले का हाथ काटा, ये धंधे हैं इनके। सरकार आपकी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो भाई जेल में डालिए। बिल्कुल, जेल गए थे। और अगर इन्होंने लव जिहाद जैसा, और यहाँ पे इन्होंने अपनी विधायक निधि से मस्जिद बनाने का काम कर रहा है, यहाँ पे शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है। कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी कराते हैं, लव जिहाद करा रहे हैं। अगर हमारे विधायक पे ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार सत्ता इनकी है, बता दे आज तक के विधायक जी के कितने कार्यकर्ताओं पे इनने केस लगवाए? सब साफ सुथरी सभी के कार्यकर्ता है, जनता के बीच रहते हैं, हित की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर हमारे विधायक गुंडे हैं तो बीजेपी सरकार फेल है, वो एक गुंडे को विधायक कैसे बने रहने दे रहे हैं? एक मिनट, मुद्दों पर लड़ रहे हैं ना, मुद्दों पर आ रहे, मुद्दे बता दीजिए, मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे पे नहीं आ रहे, भारतीय जनता पार्टी की बात सुन रहे। तो सुरेंद्रनाथ सिंह मम्मा ने कौन सा विकास किया था? तो जनता ने इनको पलट कर अब कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस के भी विधायक साहब, आप इस बात के लिए सोचिए। आप वो क्या हो, सासू? आपका क्या रास्ता हो? अरे मेरा रिश्ते से क्या है, इनका पति पत्नी जैसा रिश्ता है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट, आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करें। क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के ये मुद्दे कि मध्य में कई जगह पे सुलभ शौचालय नहीं है, शौचालय है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो दरवाजे नहीं है। तो वो उनको नहीं पता कि शौचालयों में लाइट और दरवाजों की व्यवस्था चाहिए होती है। नाले खुले पड़े हैं, गंदगी फैल रही है, बदबू आ रही है, बेचारे गुमटी वाले रहने को परेशान है। रोज जो है झुकी बस्तियां हटाई जाती है, तोड़ी जाती है, ये है। चलिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगता है कुछ है, मौजूदगी है? मौजूदगी है, विकास की बात करते हैं मध्य विधायक, विकास की बात करते हैं मध्य विधायक। विकास क्या कहते हैं? विकास की परिभाषा ना विधायक को
मालूम है न विधायक के साथियों को मालूम है, कोई विकास नहीं हुआ है। भांजे भतीजे यहाँ ठेकेदार बने हैं, एक ही ठेकेदार है जो ऑफलाइन काम करता है। यहाँ का विधायक चोर है, विधायक यहाँ का काम नहीं कर पाया है, वो कोई विकास नहीं हुआ है। और आज ये लाडली बहन योजना चला रहे हैं, ये ऑफलाइन चला रहा है, इनका डाटा ये कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ये बेरुखिया बना रहा है और धोखा दे रही है कांग्रेस। इनके लोग लगा रहे नारे जय श्री राम और भारत माता की जय, इनके विधायक आके बोल सकेंगे भारत माता की जय? पूछिए आप उनसे। जो व्यक्ति वंदे मातरम कहने से परहेज करे, भारत माँ की जय बोलने से परहेज करे, ये व्यक्ति को इस देश से बाहर कर देना चाहिए। मध्य विधानसभा में युवा इस बार विधायक जी को ये बता देगा कि उनकी कुर्सी टूट रही है। पिछली बार वीडियो में आए थे, हमने निकाय में इस बार उनको जवाब दे दिया है। इस बार चार हमने हमारे पार्सल लाए हैं, इस बार इनकी चारों कुर्सी तोड़ देंगे। विधायक जी आपको हरा के रहेगा युवा। क्या महिला सुरक्षा के मद्देनजर मैं पूछ रहा हूँ, अस्पताल है सामने और पीछे शराब दुकान। जी बिल्कुल, ये खराब, ये मतलब दुकान नहीं होना चाहिए, शराब की दुकान, क्योंकि महिला और रात में भी जाती है। पार्क है बीच में, यहाँ पर पार्क से जाना, मंदिर है यहाँ पर आना, बिल्कुल मतलब ये शराब की दुकान होना नहीं चाहिए यहाँ पर। सरकार बीजेपी की, नगर निगम बीजेपी की, तो कांग्रेस का विधायक कैसे ये दुकान लगवा सकता है? ये शराब की दुकान हम लोग कैसे लगवा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे लगवा सकते हैं? बस सुनिए, आप जब बोल रहे हैं, देखिए विधायक जी, जब कोरोना का टाइम था तो एक आरिक मसूदी ऐसे विधायक थे जो कोरोना के टाइम में पुजारियों को घर में राशन दिए, तब बीजेपी कहाँ चली गई? ठीक है, पुजारियों को राशन उन्होंने 2 महीने तक दिए, बहनों को राखी पहुंचाई, तब बीजेपी कहाँ गई? सिलाई मशीन बहनों को दी, तब बीजेपी कहाँ गई? ठीक है, और कोरोना के समय 30,000 लोगों को पैकेट बांटे, तब ये लोग कहाँ गए? गंगा जमनी तहजीब है उस विधायक में, समझिए, तो ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, एक सवाल आम आदमी पार्टी के लिए, बैठ जाइए, मैं आप ही के सवाल लेके आया हूँ। आम आदमी पार्टी से सवाल कांग्रेस कर रही है भाई कि दिल्ली में तो आप लोगों ने शराब की बहुत दुकानें बांटी, यहाँ क्या योजना रहेगी, क्या क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? ये हम लोगों ने नहीं बांटी है, वहाँ पर एलजी की दखल अंदाजी रहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी की नहीं रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जोर दिया है, पानी पे दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर हम चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे, ना ही इनकाउंटर के नाम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये धर्म के पीछे जा रहे हैं। लेकिन आज कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई गंदगी की बात नहीं कर रहा, आज मल्टी को देखिए, आज मल्टी में देखिए गायब है। आरिफ मसूद जी 5 साल से गायब है, उनके लिए पोस्टर लगाने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी। सर ये पीछे शराब की दुकान देखिए, सामने अस्पताल है और जस्ट बाजू में बस स्टॉप है। बेचारी लड़कियां जो कोचिंग क्लास में जाती है वो बहुत परेशान है। ये कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार मिलजुल के जनता को बेवकूफ बना रही है। सारे ठेके 60% एरिया ओल्ड सिटी का आता है, आज ओल्ड सिटी की हालत देखिए, आप अगर पैदल चलेंगे तो पैदल चलने में गड्ढे पाए जाएंगे, पूरा ओल्ड सिटी खराब पड़ा हुआ है। मतलब विधायक निधि, सांसद निधि कहाँ जा रही है, कोई पता नहीं उनका। अगर इतना ही विकास किया है तो 5 बार हारे कैसे निकाय चुनाव में? और हमने इनका 5 साल विकास इतना देखा है कि पूरे मध्य विधानसभा में रोड के चारों तरफ अधिक्रमण इनके लोग करके बैठे हुए हैं। इनके विधायक, इनकी जो विकास की नीति है उससे विकास की सुनिए ना, सरकार किसकी है, कौन एक्शन लेगा, विधानसभा किसका है, विधानसभा किसका है? विधायक है वो, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। विधायक का काम विकास करना होता है, नाले हमारे हैं, बोर्ड उनके लगे हैं, नाले हमारे हैं, बोर्ड उनके लगे हैं, पार्षदों के सामने बोर्ड अपने बोर्ड लगाकर बैठे हैं कि आरिफ मसूद का काम है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक है
आराम बैठिएगा बैठिएगा प्लीज प्लीज भाई भाई चलिए ठीक है ठीक है आराम से सुनिए ना बस अब आराम से सवाल भी सुनिए और जवाब भी दीजिए आप ही के लिए आए हैं आप ही से बात करने के लिए आए हैं बस अब ये बताइए ठीक है ठीक है ठीक है मसला देखिए भाई साहब विधायक कांग्रेस का है भाई तो विधायक के हाथ में कुछ तो होता है ना तो भाई अगर कुछ चीजें कमी है तो विधायक सवाल नहीं उठा सकता था अगर ये शराब दुकान थी तो विधायक ने सवाल बहुत सारे उठाए लेकिन ये सरकार है ये सुनने को तैयार नहीं है इनको भी शराब से पैसा चाहिए उनको भी शराब से पैसा चाहिए क्योंकि इनके तो नेता शराब पीते भाजपा के तो क्योंकि है ना इनके धर्म के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है इनके पास सुंदर कांड करा हमने देखिए आप देखिए ये देखिए हमने खुद ने सुन लीजिए वो कह रहे हैं आरिफ मसूद हमारे यहाँ से दोबारा है आपके यहाँ से तो तस्वीर भी अभी साफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक है पार्टी 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 के नाम पर मध्य के विधायक की एक ही पहचान कमल निशान कमल निशान हमारे विधायक की एक ही निशान कमल निशान कमल निशान और ये क्या बताना चाह रहे हैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में बंद है कर्नाटक का कांग्रेस सरकार चुनाव जीत के ये वहाँ पे बैठ के बिरयानी खाते हैं और नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद क्या करना चाह रहे हैं ये दोनों दल क्या बताना चाह रहे हैं नहीं क्या बताना पार्टी के कार्यकर्ता विधायक है अभी दोनों लड़ लेंगे और बाद में दोनों मिल के गठबंधन से सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में वो बिक जाएंगे ये खरीद लेंगे ये खरीदार हैं इनके पास जनता का प्यार नहीं पैसा है पैसा ये पैसा बोलता है जनता के काम नहीं पैसा बोलता है बीजेपी के पैसा का वो दिखा सके वो कह रहे हैं दिल्ली में आपका आप शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अरे सबको पता है ये बात कितनी बात साचो कितनी गलत है वो चीज प्रूव नहीं हुई है जब तक वो चीज प्रूव नहीं होती उसको आप नहीं कह सकते कि वो घोटाले में फंसे हैं आज तक एक भी ईडी सबूत नहीं दे पाई है आज जब ब्रजभूषण की बात करें ब्रजभूषण क्यों नहीं गए जेल में भाई इतना बड़ा गुंडा है इतना बड़ा गुंडा आदमी है ब्रजभूषण का क्यों नहीं डाल देते जेल में शर्म आनी चाहिए लोगों को इस तरीके से महिलाओं के ऊपर को बुलाया गया जिसे महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की उसे बुलाया गया नए सदन के उद्घाटन पर मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले में नंबर वन पे मध्य प्रदेश चले आपने बड़ी बात की है भाई सिसोदिया पर सवाल उठा रहे हैं तो ब्रिजभूषण का नाम आया है भाई ब्रिजभूषण का नाम आया हम मान गए तो यहाँ चिल्लाने की जगह कोर्ट में जाए और उनको गलत साबित करे अरे भैया सरकार कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके बोले अगर इसमें कोई गलती हो तो आप बता दो अगर ये बात अगर गलत हो तो ये बात गलत हो तो आप बता दो इनकी जानकारी इनकी बलात्कारी समर्थक अरे अपने सामने बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हैं वो खरीदार हैं ये बिकाऊ हैं बस ये सरकार है आने वाली सरकार है और ये नहीं बिकने वाली सरकार है ईमानदार सरकार ये नहीं बिकने वाली सरकार आम आदमी पार्टी को लेकर एक सवाल बार बार उठता है कि भाई आम आदमी पार्टी जहां जाती है कांग्रेस को हराने बीजेपी को जिताने जाती है कहीं नहीं बीजेपी को जिताना नहीं जिताना जानते क्यों जिताना जानते पंजाब में बीजेपी को जिताना बीजेपी को जिताना हम खुद पूरे मध्य विधानसभा में पूरे भोपाल में किसी भी विधानसभा में इतना काम नहीं होगा जितना इस विधानसभा में हुआ है यहाँ पे आप देखिए कहीं भी कोई सड़क नाली किसी भी चीज का अभी ये बीजेपी के जो तीन पास जीते हैं कुछ नहीं कर रहे केवल पैसा कमाने के हवाले एक एक ठेले वाले से 5,000 रुपए महीने का मांग रहा है पार्षद लोग मांग रहे हैं हर दुकानें देख लो आप पूरा 11 नंबर का औकस खत्म कर दिया है 1100 का औकस खत्म कर दिया है वोट हम तो विकास के काम पे मांगेंगे हमने विकास किया है और हम 500 रुपए के जाएंगे हम तो जनता के बीच में हमने विकास किया है
विधानसभा क्षेत्र में झूठे आशा झूठे बात नहीं करी। आरिफ मसूद जी ने भूमि पूजन करके जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, बस भूमि पूजन थी वो। आज आरिफ मसूद जी ने एक एक रोड एक एक नाली सब चीज का विकास मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक एक 49 में ले लो 48 में ले लो सब जगह विकास करा मध्य विधानसभा क्षेत्र में। आरिफ मसूद ने कभी झूठे बातें कभी झूठे आशा दिए। सुरेंद्रनाथ मम्मा आते थे भूमि पूजन करवा के जाते थे बस। चल ठीक है, काम पर वोट मांगने वाले हैं आप, काम पर वोट मांगने वाले जल्दी। समाजवादी पार्टी, मतलब मैं फिर वही बात कहूंगा कि भाई काटने वोट काटने किसी को हराने जिताने का पर काम करेगी। मैं जीतने के लिए काम करूंगी और मेरी पार्टी हमेशा अच्छे काम करती है। मैं मध्य विधायक में मध्य विधानसभा में बताती हूँ, कैंडिडेट उम्मीदवार मिल जाएंगे पूरे 230 विधानसभा में? जी पूरे मिलेंगे, जी मिलेंगे। आम जनता हमारे साथ है, थोड़ा सा कुछ सवाल उनसे भी ले लेते हैं। क्या मसले हैं इस विधानसभा में, पार्किंग को, रोजगार को लेकर और कुछ लग रहा है आपको? पार्किंग की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है अपने इस एरिया में, साफ सफाई थोड़ी ठीक ठाक हो रही है। हाँ यही आरिफ मकसूद, इसी के कार्यकर्ता, ये खुद ही शराब मंगा रहा है, इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं की जुबान से बोल रहे हैं कि हमारे विधायक ने बोला है दारू बटेगी पैसा बटेगा। उनने भीड़ बुलवाई है, ये वीडियो है, ये मैंने बताया नहीं है, ये देख लीजिए। इन्हीं के विधायक ने महिला कार्यकर्ता, एक महिला हम मल्ला को इतना सम्मान देते हैं, कोई महिला अपनी जुबान से बोल रही है कि दारू बांटने का फैसला करा है। इनके विधायक ने बोला है तुम्हारी महिलाओं को बुला रहे, महिलाओं को दारू बांट रहे। जाति पर राजनीति अपनी सिर्फ वोट पे सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए विधायक बने हैं। ये विकास कर रहे हैं, ये विकास इतना किए कि अपने विकास से इतना डर गया कि भाग के उत्तर की तैयारी कर रहे हैं। पूछिए कि मध्य को छोड़ने की तैयारी में। आज की अगर बात कर रहे हैं तो पांचों बोल चले दो हम फिर चर्चा करेंगे फिर किसी दिन मध्य विधानसभा क्षेत्र से। आज बस इतना ही, हम फिर किसी विधानसभा में अगले विधानसभा में फिर आपके पास आपके साथ हाजिर होंगे। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वहां पर सिर्फ नाम की राजनीति हुई है, काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है और मेरे तो सिर्फ इतना है कि मेरी विधानसभा में जनता से पूछिए, नेताओं से नहीं। मकानों में जाइए, बिल्डिंगों में जाइए, दरवाजे की बेल बजाइए और उनसे पूछिए कि काम हुआ या नहीं हुआ। 4.5 साल जो बन सका वो सारे काम करें। और मैंने तो बाकायदा बुकलेट छाप कर बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए और अभी नए भोपाल की अभी ओल्ड भोपाल के 8 वार्ड की भी दे रहा हूँ। तो छपी बुकलेट है, इससे बड़ा सबूत किसी का नहीं हो सकता। पूरी ट्रांसपेरेंसी है और देख लीजिए कि कितना कितना काम किया है। जाहिर है काम करा, तभी तो 10 साल बीजेपी के विधायक रहे, इन्होंने कभी बुकलेट छापी, इन्होंने काम दिखाया, तभी तो जनता ने इनको नकारा। तो बीजेपी के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बीजेपी को कोई उसमें नहीं समझता। इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर? अगर नहीं, मैंने जनता से पहले भी कहा था कि मैं एक ईमानदार हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए और आप देखिए। और मैंने 4.5 साल विपरीत परिस्थिति में, जिसमें कोरोना भी रहा, लगभग हम लोग 1.5 साल कोरोना से जूझे हैं, 12-14 महीने, जिसमें कई बार लॉकडाउन आया, कई बार स्थिति भयानक हो गई। ऐसी स्थिति में भी एक अकेला आदमी था जो रोड पर घूमता रहा, एक एक बस्ती में घूमता रहा और भेदभाव भी खत्म किया। अगर कब्रिस्तान में गाड़ी भेजी तो शमशान में भी गाड़ी भेजी। तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, ये तब कहाँ थे, ये सिर्फ वोट लेने के लिए निकलते हैं, बाकी इनका पता नहीं रहता।